आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ पेस्ट स्पेशल। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी मेनू बार के अंदर जो फाइल मेनू बार इसके बारे में। अब होम में आए तो हम क्लिप बोर्ड जिसमें हम कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल के बारे में बातचीत करेंगे। तो पेस्ट स्पेशल क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी डेटा को कॉपी करके नॉर्मली कहीं पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि जैसा डेटा सेम टू सेम पेस्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें पेस्ट स्पेशल की, तो पेस्ट स्पेशल हमें परमिशन देता है, फीचर देता है कि हम जहाँ से कॉपी किए हैं वहाँ से कुछ पार्ट को हम पेस्ट करें, हम ओवरऑल डेटा को नहीं, उसकी डेटा का कुछ पार्ट पेस्ट करें। जैसे कि अगर हम ऑल करते हैं तो पूरा पेस्ट होता है नॉर्मल कॉपी पेस्ट की तरह, लेकिन जब हम फॉर्मूला करते हैं एंड ओके करते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होता है न कि डेटा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पूजा के अंदर फॉर्मूला तो नहीं है, फिर पेस्ट क्यों किया? फॉर्मूला का मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, डेटा है तो डेटा, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला। अब यहाँ पे मेरा डेटा चेंज आ रहा है, चेंज इसलिए आ रहा है कि हमने यूज किया है रैंड बिटवीन फॉर्मूला। मिसलेनियस फॉर्मूले की क्लास में इस फॉर्मूला को मैंने बताया था कि ये रैंडम नंबर देता है और जब कहीं भी कुछ चेंज करते हैं या डबल क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये अपने आप को एक नया नंबर से अपडेट कर लेता है, इसलिए हर बार दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो इसको ध्यान न दीजिए। तो आज हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद कहीं भी राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज फॉर्मूला करते हैं तो जो फॉर्मूला बार में दिखता है उसको पेस्ट कर देगा। इसमें फॉर्मेटिंग जो है, बॉर्डर है, कलर है, इसके बाद जो कोई कमेंट्स हैं, इन चीज़ों को पेस्ट नहीं करता है, बाकी सारी चीज़ों को पेस्ट करता है जो फॉर्मूला बार में है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि हमें जब पेस्ट करना है तो मुझे उसकी फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करना है। तो इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, इसमें वैल्यू सेलेक्ट करूँ तो फॉर्मूला को रिमूव करके यहाँ पेस्ट करेगा। तो यहाँ देखिए अब रैन बिटवीन का फॉर्मूला नहीं रहा, लेकिन ये तो हमने अलग पेस्ट किया, हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। समटाइम हमें फॉर्मूले को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आपके सामने दिख रहा है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में समटाइम जैसे यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है, अगर मैंने इसको राइट क्लिक करके कॉपी किया और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और इसमें हमने कर दिया पेस्ट एज ए वैल्यू, नहीं सॉरी वैल्यू नहीं फॉर्मूला, तो क्या होगा, फॉर्मूला आया। बट मुझे इसका फॉर्मूला रिमूव करना है, मुझे इसका क्या करना है, फॉर्मूला रिमूव करना है। तो मैं इसी के ऊपर कॉपी करूंगा और राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसी में मैं कर दूंगा वैल्यू, उसी के ऊपर उसका फॉर्मूला मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप की देखेंगे कि सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है, वैल्यू नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा मैं गलत बोल गया, सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगा फॉर्मूला नहीं। तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है कहां, जब कोई रिपोर्ट हम यूज करते हैं। तो हम अपने रिपोर्ट्स में आते हैं और रिपोर्ट्स में हम यहां मान लीजिए कि हमने एक डैशबोर्ड लिया। अब इस डैशबोर्ड को मान लीजिए रिपोर्ट है, रिपोर्ट मैंने बनाया हुआ है, मुझे किसी को मेल करना है, तो ये रिपोर्ट कनेक्टेड है फॉर्मूला मतलब कि हमारे डेटा से, जो कि डेटा ये रहा। अब रिपोर्ट को भेजने के लिए मुझे डेटा भेजना पड़ेगा तभी तो रिपोर्ट वर्क करेगा, अदरवाइज अभी यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है और डेटा ना भेजूँ तो उसके बाद फॉर्मूला ना दिखेगा। तो सबसे पहले हम पूरी की पूरी शीट को अलग कैसे करेंगे ताकि मैं भेज सकूँ, तो सीट के ऊपर करना है राइट क्लिक मूव एंड कॉपी क्रिएट कॉपी, और ऊपर दिख रहा है टू बुक, इसमें आप न्यू बुक ले लेके ओके करते हैं। जैसे आप न्यू बुक करके ओके करेंगे ये एक फाइल पे, एक अलग फाइल पे डेटा डाल दिया, लेकिन अभी भी ये फॉर्मूला कनेक्टेड है, ये हमारे सेल्स वाले फाइल से।
अब मुझे सारे फॉर्मूलेज को रिमूव करना है उसके वैल्यू से, मतलब कि कॉपी किया वैल्यू पेस्ट, कॉपी किया वैल्यू पेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूला मेरा कंटिन्यूस नहीं लगा है, बीच में फोटो भी है, बीच में हमारे पास कुछ मर्ज सेल भी है, ग्राफिक्स भी है, तो मैं सिर्फ फॉर्मूले को रिमूव करना चाहता हूँ, बाकी जो डेटा है जैसा है बिल्कुल वैसा रहे। तो वहां पे मैं वन और ए के बीच में इस ट्रायंगल को क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसी के ऊपर हम करेंगे वैल्यू। हमने क्या सिलेक्ट किया? वैल्यू सिलेक्ट किया, देन ओके करेंगे। तो ओके करते ही आप देखेंगे कि जहां जहां फॉर्मूला था वहां वहां वैल्यू हो गई, और एक ही बार में, और बाकी मेरा कोई भी डेटा किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ। तो ये चीज हम पेस्ट जे वैल्यू से करते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूं। उसके बाद है पेस्ट एज ए फॉर्मेट। अगर मैं चाहता हूं कि जस्ट इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट हो, बाकी डेटा वगैरह पेस्ट ना हो, तो यहाँ पे पेस्ट फॉर्मेट कर देते हैं। फिर आता है पेस्ट एज ए कमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने डेटा के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने राइट क्लिक किया, न्यू कमेंट, और यहाँ पे लिख दिया हाय दिस इज फाइनल मार्क्स, और यहाँ पे हमने सेंड किया, तो देखेंगे कि यहाँ पे दिस इज फाइनल मार्क्स का आ गया। उसके बाद आता है पेस्ट, इसको कॉपी करके मुझे सिर्फ इसमें कमेंट पेस्ट करना है कहीं पे, तो राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, हम यहाँ पे कमेंट्स नोट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सिर्फ कमेंट नोट ही आता है। उसके बाद आता है पेस्ट इज ए कॉलम विड्थ। कभी कभी क्या होता है कि अपने डेटा को छोटा कर लेते हैं ताकि उसी हिसाब से कॉपी हो, फिर इसको कॉपी करके राइट क्लिक करके हम पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ करेंगे, क्योंकि नॉर्मली पेस्ट करेंगे तो आपका डेटा पेस्ट नहीं होगा, मतलब फिर से आपकी कॉलम की पूरी सेटिंग वेटिंग करनी पड़ेगी। राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, इसमें सेलेक्ट कीजिए कॉलम विड्थ और कीजिए ओके। तो अब देखेंगे सिर्फ कॉलम का जो विड्थ है वही पेस्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी आप पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ लेते हैं तो सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट होती है, डेटा नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन जब राइट क्लिक करते हैं या यहाँ जो आइकन दिख रहा है इसी आइकन में जाएंगे तो एक आइकन दिखता है ये वाला, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसमें कॉलम का विड्थ भी आएगा और आपका डेटा भी आएगा, और आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम का विड्थ और कॉलम का डेटा आ गया। उसके बाद आता है यहाँ पे नंबर फॉर्मेट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास यहाँ डेटा होता है, अब डेटा में भी होते हैं डेट। अब मैं इस डेट को लिए और राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और हमने वैल्यू कर दिया, तो वैल्यू होते ही डेट जो है इस तरह का नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कन्वर्ट क्यों हुए इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि नंबर है क्या। देखिए एक्सेल जो है आपका जो डेट है वो नंबर में सेव करता है। एक्सेल आपका डेट जो है किसमें सेव करता है? नंबर में। जैसे मैंने यहां पे आज का डेट डाला, तो आज का डेट जो है 14 नवंबर है, लेकिन अगर मैं यहाँ जाऊं जनरल करूं तो देखिए 44879 आपको दिखेगा। तो 44879 क्या है कि जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है और जो डेट डाला है तब तक के नंबर ऑफ डेज। अब साबित कैसे करेंगे? अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वन, एक दिन, वन वन डेज। अब इसके ऊपर हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। डेट का फॉर्मेट अप्लाई किया तो देखिए हो गया 1/1/1900, क्या हो गया 1/1/1900। अब मैं यहाँ पे 32 डालता हूँ तो ये देखिए मंथ चेंज हो गया 33। देखिए यहाँ पे 367 करता हूँ तो ईयर चेंज हो गया, ऐसे 44879 करता हूँ तो डेट चेंज हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि ऐसा किया क्यों गया। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा झमेला किया तो क्यों किया? तो क्या होता है कि कभी भी आप अपने अंदर जब डेटा डालते हैं तो नंबर में है तो कम हो जाता है, लेकिन जैसे इसके अंदर टेक्स्ट डालती है तो इस पे किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं होता है। बट डेट में कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, इसमें मैं प्लस 20 कैसे कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि डेट दिख रहा है डेट,
बट एक्चुअल में क्या है, नंबर है, और कैलकुलेट भी आपका नंबर हो के आ रहा है। ओके okay? तो कैलकुलेट भी क्या हो के आ रहा है, नंबर हो के आ रहा है। तो जब हम पेस्ट स्पेशल करते हैं और पेस्ट स्पेशल के अंदर हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, तो पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट, और डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है इसलिए इसको रिमूव कर देता है। इसलिए डेट के जगह पे आप सेलेक्ट करें, सॉरी वैल्यू के जगह पे सेलेक्ट करें वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट, मतलब इन दोनों के जगह पे आप वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। ऐसा करने से क्या होगा, जब राइट क्लिक करके आप पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे तो पेस्ट स्पेशल में आपका जो नंबर फॉर्मेटिंग है वही पेस्ट होगा, मतलब फॉर्मेट सेल के अंदर जो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है सिर्फ उसी को पेस्ट करता है और किसी को नहीं। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताया था ना चीज, आई थिंक तो उसके अंदर में फिर वो डेट, उसके अंदर में कोई एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह होगा या कुछ और होगा, इस कारण से नहीं हो रहा है। मैंने तो सब कुछ टाइप कर लिया सर, कोई नहीं रहा, चेंज ही नहीं है। देखिए उसके अंदर, देखिए उसके अंदर जो डेट है आपका, जो डेट डाला हुआ है, अगर वो डेट के अंदर, कौन सा फाइल भेजा था आपने मुझे, व्हाट्सएप किया था सर? हाँ जी, ये आपने फोटो भेजा है मुझे, फाइल क्या भेजा? नहीं सर, ये तो अभी का है सर, ये लास्ट व्हाट्सएप किया है मैंने आपको। हाँ व्हाट्सएप पे मुझे आपके आपके यहाँ से एक फोटो आया हुआ है जिसमें डेट वगैरह था, और इसके बाद दूसरा जो आया है मेरे पास आपका व्हाट्सएप डे फाइव कैलकुलेशन करके आया है, बस डे फाइव मिसलेस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ आया नहीं। आपने भेजिएगा, देख लूँगा कल की क्लास में। अब आता है ये, यहाँ तक समझ। अब बात करते हैं पेस्ट स्पेशल में कैलकुलेशन की। जैसे यहाँ पे मैं 20 लिखा हुआ है और यहाँ पे 30 है, अगर मैं 30 को कॉपी करके पेस्ट करूं यहाँ पे तो 30 20 से रिप्लेस हो जाता है, लेकिन राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमारे पास आता है ऑपरेशंस, इसे मैंने ऐड कर दिया, तो इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर आपका आएगा। तो देखिए 50 आ गया, देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब किया तो दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ और रिजल्ट जो है आपका पेस्ट हो गया। तो इसका यूज क्या होता है, तो एक बार उससे पहले मनीष जी की फाइल हम देख लेते हैं, क्या ए डेट की बात करते हैं? हाँ सर, यही फाइल है। तो ये डेट, एक मिनट, 2012 की डेट है, 13 15 17 ये बोला है ना आपका, ये डेट डेट कंट्रोल से नहीं हो रहा है। राइट क्लिक करके अगर मैं डेट वैल्यू करता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलन नेक्स्ट नेक्स्ट MDY हो गया सर। समझे कि नहीं सर? हाँ सर, समझ गया। हम ये बेसिकली क्या था ना, आपका ये जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट चेंज हो गया था आपका, इस 27वां महीना पिक कर रहा था। हाँ सर,
और ये डेट, क्योंकि ये आपका DDMMY पे भेज दिया था, इसको टेक्स्ट टू कॉलम करके देख लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए कॉपी करके अलग पेस्ट करके डेट मैच कर लीजिएगा, टेक्स्ट टू कॉलम में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आपका इस पे कैलकुलेशन। तो कभी भी आप किसी कॉपी को किसी सेल को किसी और सेल पे पेस्ट स्पेशल करते हैं, और यहाँ जब उसको मल्टीप्लाई किया हमने तो मल्टीप्लाई, हाँ इसका यूज किया है। जैसे देखिए मेरे पास नेम है और मेरे पास नंबर ऑफ सेल्स है, तो अब मुझे जो इसको रिपोर्ट मैंने भेजा उसने बोला कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि पूजा ने डे वन में डे टू में डे थ्री में कितना क्वांटिटी सेल किया है। मुझे ये बताओ कि कितना परसेंट अपना टारगेट अचीव किया है, और सबका टारगेट फिक्स है वो है 70, तो मुझे हर नंबर को 70 से डिवाइड करना है और यहीं पे कहीं और पे नहीं। तो मैं कॉपी करूंगा 70 को और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसी के ऊपर मैं कर दूंगा पेस्ट एज ए डिवाइड। पेस्ट एज ए डिवाइड क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, हर नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। देखिए डिवाइड कर दिया, फिर परसेंटेज का सिंबल डाल के हम इसको परसेंटेज कैलकुलेट कर। लेकिन क्या हो जब मेरे पास हर किसी का टारगेट अलग हो, हर किसी का सेल्स अलग हो, मतलब मुझे 15 को डिवाइड करना है 56 से, 48 को डिवाइड करना है 46 से, 62 को डिवाइड करना है 86 से, तो उस समय भी मैं इसको कॉपी करूंगा, इसके ऊपर जाऊंगा पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मैं लूंगा डिवाइड, तो हर नंबर जिस सीक्वेंस से है उसी सीक्वेंस से डिवाइड हो जाएगा और रिजल्ट आपके सामने है, परसेंटेज कीजिए आ जाएगा। अगर इसमें फॉर्मूला हुआ फिर भी वो फॉर्मूला के हिसाब से पेस्ट करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद आते हैं हम, हमारे पास एक डेटा है। अब इस डेटा में क्या है, सेल्स है, और ये सेल्स की अपडेट है कि 29 नहीं, इसके जगह पे 29 होने चाहिए थे, 30 नहीं 65 होने चाहिए था, 26 नहीं 87 होने चाहिए। अब सबको अपडेट करना है, लेकिन जो ब्लैंक वाला है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे ब्लैंक को स्किप करना है कि ब्लैंक जो है वो पेस्ट ना हो, सिर्फ उसका जिस सेल में नंबर है वही पेस्ट हो सिक्वेंसली। तो हमने इसको राइट क्लिक सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में आपको यहां दिखेगा स्किप ब्लैंक, स्किप ब्लैंक को सिलेक्ट किया, देन ओके किया, आप देखिए सिर्फ वही पेस्ट हुआ, बाकी डेटा पेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोज है कि किसी हॉरिजॉन्टल डेटा को आप वर्टिकल में, वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में आप ट्रांसपोज कर सकते हैं इस तरह से। अब बात करते हैं लिंक। पेस्ट एज ए लिंक, कभी कभी क्या होता है कि हमें मान लीजिए इसी डेटा को किसी सीट पे किसी अनदर शीट पे या सेम सीट पे अनदर फाइल पे मुझे लिंक करना होता है, तो जनरली हम इक्वल प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं, ये लिंक हो जाता है। उसके बाद हम ड्रैग वगैरह करते हैं तो बाकी डेटा भी चला आता है। अब मैं यहाँ जो भी चेंज करूंगा, यहाँ पे 25 चेंज करके एंटर मारा तो यहाँ ऑटोमेटिकली 25 आ गया, मैं यहाँ पे 70 करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि लिंक करना, लेकिन कंटिन्यूस नहीं, कुछ कुछ करना है हमें, तो उस केस में हमें फिर करके डिलीट विलीट करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उस केस में हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं इसको कॉपी करता हूं, इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इस पेस्ट स्पेशल के अंदर में हम बात करते हैं यहां लिंक, पेस्ट एज ए लिंक।
जब पेज से लिंक करते हैं तो ये देखिए लिंक हो गया, और जो मैं चाहा वही लिंक हुआ, और ड्रैग करने से थोड़ा सा बेटर होता, समझे? यस सर, क्लियर है? गुड आउट इसमें नहीं सर। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। तो कभी कभी हमने इस डेटा को पिक्चर में कन्वर्ट करना, तो सेलेक्ट कीजिए, यहां पे क्लिक कीजिए, और ये देखिए आपके सामने आता है पिक्चर्स। जब पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर्स को फिर अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऊपर दिया हुआ इसे रोटेट कर सकते हैं किसी पिक्चर, लेकिन ये आपस में लिंक नहीं होगा। तो मुझे पेस्ट करना है जिसमें वो लिंक भी हो, तो पेस्ट में ही आपको पेस्ट एज ए यहाँ लिंक दिखेगा। क्या दिखेगा? पेस्ट एज ए लिंक। इस पर क्लिक किया तो ये आपको देखिए पेस्ट एज ए लिंक। अब मैं इसको कुछ भी करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कलर कर दिया, दूसरा कलर कर देता हूँ मैं, या कोई वैल्यू चेंज करते हैं 150 करते हैं, तो एंटर मारते हैं चेंज। तो अब इसको सेम शीट अनोदर फाइल कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास नया डेटा यहाँ पे डाला, जैसे नेहा, नेहा का डेटा हमने यहाँ पे डाला। अब नेहा का डेटा डाला, अब इसके अंदर नहीं आया, क्या दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? देखिए एक्सेल के अंदर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेल से लिंक होता है तो एक ना एक फॉर्मूला लगता है, जैसे कि इसके ऊपर आप देखिए ए आपका एड्रेस दिया हुआ है। अब मैं इस एड्रेस में 9 को 10 करके एंटर प्रेस कर देता हूं, अपने आप इंक्रीज हो गया, कोई करने की जरूरत पड़ी? और इसी चीज को हम जो है सेम शीट अनोदर फाइल, यहां तक कि आप इसको एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के ले जाते हैं, और यहां भी जब क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल, इसमें आपका पेस्ट एज ए लिंक और एक्सेल सब सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके, तो आपका एक्सेल शीट से लिंक हो जाएगा। सेम ऐसे पावर पॉइंट आपके पास है तो पावर पॉइंट पे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, कि पावर पॉइंट पे गए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, सॉरी पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे पेस्ट लिंक कर सकते, तो लिंक हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि आउटलुक में भी होता है तो क्या होता है, आउटलुक के क्या बेनिफिट? तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम आउटलुक के ऊपर देते हैं। नितेश जी आप आउटलुक यूज करते हैं? शायद नितेश जी ऑनलाइन नहीं है। अच्छा है, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है आपका माइक में प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है जब आउटलुक इस्तेमाल करते हैं, मैं आउटलुक है तो हम लोग क्या करते हैं, आउटलुक का मेल करते हैं। तो मेरे ऑफिस में क्या था कि मुझे मेल करना होता था, तो 25 तारीख के बाद हमेशा जो मेल करना होता था हमें हर घंटे सेल्स की अपडेट देनी होती थी। तो मेरा डेटा सिस्टम से कनेक्टेड था और पिवट के जरिए ऑटोमेटिक अपडेट होता था, हर बार मुझे मेल करना पड़ता था, कंपोज करना या फॉरवर्ड करना पड़ता था। तो मैंने क्या किया कि न्यू मेल पे गए, यहाँ पे डाल दिया कि आईपीटी दिल्ली, एक ईमेल आईडी डाल दिया, सी में डाल दिया, टू बीसीसी में डाल दिया, और सब्जेक्ट डाल दिया कि सेल्स अपडेट, और यहाँ डाल दिया हाय लीड फाइंड टेक्स्ट सर नहीं फाइंड बिलो इज नहीं ये लिखाएगा बिलो आर सेल्स अपडेट। अब यहाँ पे मैं कॉपी नहीं, यहाँ पे जाता हूँ पेस्ट स्पेशल पे, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक कर देता हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि जब मैं सेंड कर दूंगा तो क्या मैं अपने यहाँ चेंज करूंगा तो जिसके यहाँ मेल गया उसके यहाँ चेंज हो जाएगा?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या बेनिफिट है? तो मुझे क्या है, इस मेल को हर घंटे करना होता है, सब कुछ सेम होता है, बस हमारा डेटा चेंज होता है। और डेटा वो भी हमारा एक्सेल शीट से आता है, एक्सेल शीट में डेटा एक ही जगह पर होता है, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, पिवट लगा हुआ है, जो कि डेटा चेंज होने से अपने आप को चेंज कर लेता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इस फाइल को सेव कर देंगे, सेव कर देंगे, सेव एज करेंगे इस उसको आउटलुक टेम्पलेट में, किसमें, आउटलुक टेम्पलेट में। और इसको हम एक लोकेशन मान लीजिए डेस्कटॉप पे कर देते हैं सेल्स अपडेट के नाम से। यस, सेव किया एंड यस कर दिया। अब इसको सेंड कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आधे एक घंटे बाद मेरा डेटा चेंज हुआ, मैंने डेटा को कर दिया ब्लू। चेंज होने के बाद मैं फिर वापस मुझे मेल करना है, तो जो सेल्स अपडेट की फाइल मैंने बनाई थी इसी फाइल को मैं खोलूंगा। खोलने पे मुझसे करेगा वर्स नो, ओके कीजिए। क्या हो गया? द अटेम्प्ट ऑपरेशन फेल एंड ऑब्जेक्ट कुड नॉट बी फाउंड। अच्छा ये देखिए टेम्पलेट, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया सेव करते समय लग रहा है, ये क्यों धोखा दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता। कुछ लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है सर, मेरे इसमें वरना ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार दोबारा करता हूँ, चलिए राइट क्लिक पेस्ट। इसको कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने कर दिया सेव एज। सेव एज में मैंने लिखा टेम्पलेट, आउटलुक टेम्पलेट, लोकेशन डेस्कटॉप पे गया, और सेल्स की जगह पे मैं यहाँ पे सेल्स वन कर देता हूँ, सेल्स डैश वन, फिर सेव कर, और फिर इसको क्लोज कर देता हूँ, नो करके हटा दिया। फिर मैं वापस सेल्स वन यहाँ पे आया होगा एक, रहा इसको ओपन। हाँ अब आया, इससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम थी जिस फाइल के साथ लिंक किया था वो दिक्कत था, लेकिन जैसे मैंने यस किया अब देखेंगे कि मेरा खुल गया। अच्छा, ये लिंक इज नॉट वैलिड, एरर, लिंक इज नॉट वैलिड, मतलब पेस्ट जो लिंक जो है वो ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है फाइल के कारण। फाइल तो सेव है, ठीक है, नहीं कर पा रहा है, कर लेता है, ठीक है। मैं इसको सेव एज करता हूँ, हो सकता है डेटा सेव ना हो मेरा। वही आ रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, तीनों को डिलीट करता हूँ। ऐसी दिक्कत नहीं होती है सर, मैं कई बार इसको यूज कर रखा हूँ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और मैं ऑफिस में इसको तो कंटिन्यू यूज किया हूँ, ऑफिस के अंदर मैंने इसको कंटिन्यू यूज किया, इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ पे आए पेस्ट स्पेशल लिंक एक्सेल ऑब्जेक्ट एंड ओके, और फिर मैंने इसको सेव किया सेव एज। यहाँ पे हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया, लोकेशन डेस्कटॉप कर लिया, और हम यहाँ पे सेल्स के नाम से सेव कर देते हैं, और इसको क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं सेल्स को ओपन करता हूँ, ओपन करते मुझसे पूछेगा यस नो, यस किया,
कुछ प्रॉब्लम है सर, मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है सर। आप लोग सेम प्रोसीजर को ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर? तो आज की जो हाँ क्लासेस में हमने पेस्ट स्पेशल को जाना है, ये फाइल आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और कल की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे पिक्चर लुकअप के बारे में। जी हाँ, पिक्चर लुकअप, पिक्चर लुक। कल की क्लास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि कल हम कुछ फॉर्मूले वगैरह, नेमिंग मेथड वगैरह का यूज करेंगे, वी लुकअप जैसा ही कुछ बनाएंगे। हेलो ठीक है सर? हेलो। हाँ सर बोलिए।